आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। आज हिंदू गर्व क्यों लग रहा है, प्राउड क्यों हो रहा है? डेमोक्रेसी। इसलिए साथियों, हमारी जितनी समस्याएं, वो समस्या डेमोक्रेसी होने के बावजूद पैदा कैसी हुई? अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने पार्लियामेंट पर कब्जा किया। एससी एसटी 22.5%, एक भी राष्ट्रीय पार्टी। ओबीसी 52%, एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं। मुलायम को उत्तर प्रदेश, लालू को बिहार तक। यहां का अगर बैकवर्ड कास्ट का जो नेता है वो साउथ तक ही रहेगा, महाराष्ट्र में नहीं आएगा। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को बाउंड्री नहीं, मगर नरेंद्र मोदी दो जगह पर चुनाव लड़ेगा। एससी की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, ओबीसी की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं, माइनॉरिटी की एक भी राष्ट्रीय पार्टी नहीं। ब्राह्मण कांग्रेस, ब्राह्मण बीजेपी, ब्राह्मण सीपीएम सीपीआई, ब्राह्मण तृणमूल कांग्रेस, जिनके पास वोट नहीं उनके पास पास राष्ट्रीय दल है। ये है हमारी समस्या, जिनके पास वोट नहीं है। उनके फाइव नेशनल पार्टी है, हमारे लोगों को क्या बनाया? 75 साल की आजादी में 64,000 फसाद कराए। फसाद क्यों कराएगा? हिंदू मुसलमान होगा तो हिंदू मुसलमान के नाम पर दो ही दल का राज चलेगा, इधर कांग्रेस इधर बीजेपी। बीजेपी आएगी, कांग्रेस जाएगा, कांग्रेस जाएगा, बीजेपी आएगा। फिर आया 1986, इंदिरा गांधी ने केरल में ईवीएम का ट्रायल किया, उसमें वो जिनको उनको जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट आया। फिर आगे जाकर कांग्रेस ने दो बार ईवीएम घोटाला किया। साउथ का ब्राह्मण सुब्रमण्यम स्वामी, एल के आडवाणी, इन लोगों ने एक्सपर्ट लोगों को साथ में लिया, इसका सर्वे किया और 2009 में सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया। 8 अक्टूबर 2013 को अरेसेस बीजेपी के लोग फैसला जीत कर आए और वो फैसले की तारीख है 8 अक्टूबर 2013। क्या की केस थी? ईवीएम से गड़बड़ी करके कांग्रेस दो बार जीती। कांग्रेस के लोगों को लगा हमारा नाम नेकेड हो जाएगा, हम एक्सपोज हो जाएंगे। गुप्त रूप से समझौता किया और कांग्रेस के लोगों ने कहा आपको ना पता चला हम चोर है तो आप भी क्या करो, दोबारा ईवीएम घोटाला करो, हम भी नहीं बोलेंगे, हम भी चिड़ी चुप, तुम भी चिड़ी चुप। कांग्रेस के साथ सहयोग से 2014-2019 को बीजेपी चुन पड़ा। सच्चाई क्या है? ये भी यहूदी भाई हो गए, हम एससी एसटी ओबीसी आपस में लड़ रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पर। आज की जो वर्तमान समस्या है, सभी समस्या की जननी भारत में डेमोक्रेसी में ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये पैदा कर दिया है। इसलिए भाइयों, अगर हमें एससी को न्याय चाहिए, एसटी को न्याय चाहिए, ओबीसी को न्याय चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? जहां से समस्या क्रिएट हो रही है उसके खिलाफ जनमत खड़ा करना। 2014 में चुनाव हुआ महाराष्ट्र में, एक अमरावती तक जिला है, वहां पर एमएलए के लिए एक राणे नामक व्यक्ति चुनाव के लिए खड़ा हुआ, वो हार गया। हारने के बाद बीवी से झगड़ा हुआ, बीवी ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा अरे मैं बूथ की लिस्ट लाया तो मैं बहुत हैरत मैं बहुत परेशान हो गया। तो बीवी को झगड़ते हुए कहा हो सकता है रिश्तेदारों ने वोट नहीं डाला, हो सकता है कभी कभार भाइयों ने नहीं डाला, हो सकता है कभी कभार माँ बाप का नहीं माना हो तो उन्होंने गुस्से में आकर नहीं दिया हो, या ये भी हो सकता है कभी कभार मैंने तुम्हें झापड़ झूपड़ मार दी हो तो हो सकता है तूने भी मुझे वोट नहीं डाला हो, मगर मैं इतना नालायक नहीं हूं कि मैं अपने आप को वोट न डालू। कैंडिडेट 0। लोगों को यकीन नहीं होता, इसीलिए बताना पड़ता। 2017 में यूपी का चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ जीत कर आया, 3 महीने बाद सहारनपुर का कारपोरेशन का चुनाव हुआ, मैं तब उधर प्रचार किया। तो 2017 के सितंबर महीने में एक घटना हुई, एक मुस्लिम लड़की थी जो गरीबों की बेसहारा लोगों की लड़ाई लड़ती थी, एजुकेटेड थी, तो उसका यह मानना था मैं पढ़ी लिखी हूं तो मेरे पास ज्यादा इल्म है और मेरा दीन कहता है गरीबों को मदद करो, तो बिना पैसे की मदद करती थी। कारपोरेशन का चुनाव आया,
झुकी झोपड़ी के गरीब लोगों ने कहा, अरे तुम लड़ रही हो, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं, फिर भी तुम हमारे लिए सबका झगड़ा मोल लेती हो, तो तू चुनाव के लिए खड़ी क्यों नहीं होती। उस पढ़ी लिखी मुस्लिम औरत ने कहा, नहीं नहीं, मैं राजनीति में नहीं आना चाहती, समाज ने उसको जोर जबरदस्ती से चुनाव के लिए खड़ा किया, पैसा इकट्ठा किया, बड़ी बड़ी खबरें आ गई कि यही जीतने वाली है। जब वोटिंग का रिजल्ट आया वो हार गई। हारने के बाद पत्रकारों ने उसको पूछा, अब आपको कैसा लग रहा है, तब सारे अखबार में उसकी हेडिंग थी। आज भी गूगल पर जाओ वो न्यूज कटिंग आपको मिलेगी, दैनिक जागरण की हेडिंग थी उस महिला की जो चुनाव हारी, जिसको बहुमत था मगर ईवीएम ने उसको हराया, तो उसने कहा, अरे दूसरों का छोड़ो, मेरा अपना वोट कहा गया, दूसरों का छोड़ो, मेरा अपना वोट कहा गया। इसीलिए साथियों, लड़ाई तो सबको लड़नी होगी, मुसलमान अकेले लड़ रहा है तो मुसलमान की पिटाई हो रही है, आदिवासी अकेले लड़ रहा है आदिवासी की पिटाई हो रही है, मगर आदिवासी के समर्थन में कोई न जाए इसके लिए उसको एक प्राइज मिल रहा है। आदिवासी की जायज लड़ाई हो फिर भी उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये नक्सलाइट है, तो नक्सलाइट के समर्थन में कोई नहीं उतरता। मुसलमान की भी पिटाई हो रही है तो मुसलमान को सर्टिफाई किया जा रहा है, ये आतंकवाद। भीमा कोरेगांव का फसाद हुआ, आरएसएस का मुख्यमंत्री था, नई शब्दावली लाई, अब एससी एसटी को जो अंबेडकरवादी है उनके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने शब्द दिया सेमी नक्सलाइट, आधे नक्सलाइट, आदिवासी पूरे। सीख लड़ाई लड़ रहा है तो उनको कह रहा है अलगाववादी, देशद्रोही। तो इस बात का कंक्लूजन यही है कि हम मायूस होकर कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। क्या करना होगा, हमें नई जंगे आजादी का आंदोलन शुरू करना होगा। हम ये जो बातें कर रहे हैं इसके पीछे एक मकसद, इसका सोल्यूशन क्या है, भीख मांगना ये सोल्यूशन है, गिड़गिड़ाना ये सोल्यूशन नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, हमें लंबी लाइन खींचनी होगी। आजादी का आंदोलन आजादी का आंदोलन नहीं था, उनके वर्चस्व को स्थापित करना था। अल्पसंख्यक ब्राह्मणों ने जमहूरियत में हमको गुलाम बनाया, इतने साल पहले कभी हम गुलाम नहीं थे, आज गुलाम हो गए। 83 करोड़ लोगों का डेली का इनकम 20 रुपए 11 रुपए 6 रुपए, 200 लड़के मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिए गए, लड़की के ऊपर रेप कर दिया, गर्दन काट दिया, जबान काट दी, परिवार वालों को नहीं दिया, योगी सरकार की पुलिस ने जला। साथियों, क्यों हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, क्यों हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जब लड़ाई लड़ते थे तब अपने लोगों को एक ही लाइन में बोलते थे, क्या बोलते थे, जुल्म करने वाले से ज्यादा जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनेगार। जालिम तो जालिम का ही काम करेगा। इसलिए मैं अंतिम बात यह आपको कह रहा हूं कि इस देश में 31 राज्यों में 550 जिलों में 4,500 तहसीलों में बामसेफ ने तंजीम कड़ी है, अब जीरो में नहीं, राष्ट्रव्यापी संगठन हमने बना। अब हम लोगों ने धार्मिक समूहों को भी इकट्ठा करने की योजना बनाई। आपको आश्चर्य लगेगा कि एससी एसटी ओबीसी को हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, संविधान के अनुसार। अब उन्होंने देखा कि मसावाद को मानने वाले मुसलमान, क्रिश्चियन, लिंगायत, जैन, बुद्धिस्ट, ये लोगों को हिंदू कहा जाएगा, ये भी विरोध करेंगे, तो योजना बनाकर जिन्होंने बम ब्लास्ट किया वो लोग आज क्या कर रहे हैं, मुसलमानों का तंजीम आरएसएस चला रहा है, और जो तंजीम चलाया जा रहा है उस तंजीम का नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, मुसलमान नहीं चला रहा है, आरएसएस चला रहा है। ईसाइयों का संगठन आरएसएस चला रहा है जिसका नाम है ईसाई राष्ट्रीय मंच, बुद्धिस्टों का संगठन आरएसएस चला रहा है जिसका नाम है भारतीय बौद्ध संघ, म्यांमार की तरह किया जाए, झूठे पोशाक पहनकर, गलत पोशाक पहनकर। तो हम एससी एसटी ओबीसी को जगा रहे हैं, उसी तरह हमारे माइनॉरिटी के भाइयों को भी हम कहना चाहते हैं कि आपको भी तो दुश्मन की पहचान करनी होगी। हम लोग सताए हुए लोग हैं हजारों सालों से, अब आजादी के बाद सताए हुए लोग हैं, तो आप आजादी के बाद मजलूम की बनाए गए लोग हैं, और हम 2-2.5 हजार साल के मजलूम है, मजलूम मजलूम एक हो सकता है, ये हमारे सामने एक विकल्प है। और ये बात कुरान में भी, ये बात दस्तूर में भी। आखिरी एक उदाहरण देकर मेरी बात को खत्म करता हूं कि मुसलमानों को यह कहा गया है कि मायूस मत हो जाओ, मायूसी कुफ्र है,
यानी आपको इधर उधर की उधार लाने की जरूरत नहीं है, आपके पास ही बहुत सारा है। हजरत अली साहब ने फरमाया, हे मोमिन, जितना जल्दी हो जाए उतने जल्दी जग जाओ, अगर देर करोगे तो ज्यादा कुर्बानी देनी है। गुस्ताखी माफ हो, याद दिला। हजरत अली साहब ने यह भी फरमाया, जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। गलत है, जो कौम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाती वो कौम लाशें उठाती है। मैं नॉर्थ इंडिया में बहुत मुस्लिम उलेमा इकराम के साथ अलग अलग जगह मस्जिदों में समाज में मीटिंग करने गया, तो एक जगह हमारी मीटिंग हुई, बस उतना ही उदाहरण बताकर मेरी बात को खत्म करता हूं। मीटिंग होने के बाद वो बड़े आलिम ने दुआ मांगी, तो सारे लोगों ने ऐसे आपकी, मैं भी उनको देखकर ऐसा किया, तो उस दुआ में वो हमारा जिक्र करने लगे कि अल्लाह ये जो बामसे के लोग है, ये मजलूम लोग है, ये देश को बचाने का काम कर रहे, दस्तूर को बचाने का काम कर रहे, इनको बुरी नजर से बचा, ये सही लोग, और इनके आंदोलन को क्या ताकत दे, इनको जल्दी सफलता मिले। मैं मन ही मन में खुश हो गया कि दुआ में हमारा भी जिक्र है। मीटिंग खत्म हो गई, मैं उस उलेमा इकराम को कहा, हजरत ये दुआ आपने पढ़ी तो मुझे अच्छा लगा, मुझे मालूम नहीं था कि आपके अंदर इतनी शालीनता है, आपके अंदर इतनी करुणा है दूसरों के प्रति, आप लोगों के दिलों में इतनी प्यार और मोहब्बत है कि आप दूसरों के लिए भी अपने अल्लाह से मांगते हो, तो मुझे ये जानकारी चाहिए कि दुआ का सिलसिला कब से। तो उन्होंने कहा क्यों, तो मैंने कहा कि मुझे उर्दू नहीं आती है, मुझे अरबी नहीं आती है, मगर मुझे इस्लाम की बातें सीखनी है, क्योंकि मुझे मुसलमानों के बीच में जाकर ये मसावात का हम जो आंदोलन चला रहे हैं, मुझे भी उनको कुछ दो चार बातें बतानी चाहिए, तो मुझे जानकारी चाहिए। तो उन्होंने कहा हाँ, इस्लाम में भी दुआ का बहुत पुराना सिलसिला है। तो मैंने उनको पूछा क्या अल्लाह के नबी के समय भी दुआ का सिलसिला था, तो उन्होंने कहा था। मगर उन्होंने मुझे पूछा, दो तीन घंटे से तुम हमारे अल्लाह के नबी का नाम लेकर कुछ मुद्दे की जानकारी हमसे निकालते हो, वजह क्या है? तो मैंने कहा अल्लाह के नबी जालिम के खिलाफ थे और मजलूम के साथ थे, तो मुझे इतनी सारी बातें कब समझ में आएंगी मालूम नहीं, मगर अल्लाह की बात जब, अल्लाह के नबी की बात जब मैं सुनूंगा तो मेरा यकीन होता है हाँ भाई, नबी ने जो लड़ा वो सही है। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, क्या कही, हजरत मुझे माफ कीजिए, वो मैं आपको याद दिला रहा हूं जो आपको सबको याद है, मेरा बोलना मकसद नहीं है, आप लोगों को एहसास कराना मेरा मकसद है। अल्लाह के नबी ने कहा एक दौर आएगा, एक वक्त आएगा, नेक लोग दुआएं मांगेंगे और वो कबूल नहीं होगी। एक वक्त आएगा, एक दौर आएगा, नेक लोग दुआएं मांगेंगे और कबूल नहीं होगी। सहाबा खड़े थे, उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, नेक लोगों की तो दुआएं कबूल होती है, ऐसा क्यों? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया वो नेक लोग किस काम के, जुल्म हो रहा है अपने आंखों से देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, जुल्म हो रहा है अपने हाथ को ताले लगाए हुए, अपने जुबान को ताले लगाए हुए, कुछ नहीं कर रहे, तो अल्लाह क्या करेगा, अजाब लाएगा, जुल्म रोकने का नाम नहीं लेगा, और नेक लोग दुआएं मांगेंगे तब कबूल नहीं होगी। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कितना प्रैक्टिकल है इस्लाम, जिसमें सामाजिक सिद्धांत पहले नंबर पर है। आपको मुंह है बोलना पड़ेगा, आपके पास हाथ है मुजलुमों के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और सच के लिए आगे आना होगा, चाहे इसके लिए आपको जान की कुर्बानी ही क्यों ना देने पड़े, आखिरत में हिसाब किताब होगा, तब पूछा जाएगा कि आप जालिम के साथ थे या मजलूमों के साथ थे। साथियों, हम आपके मजलूम भाई है और वो आपके और हमारे जो दुश्मन है, केवल वो धर्म के दुश्मन नहीं है, वो इंसानियत के दुश्मन है, और वो डीएनए के अनुसार विदेशी है। तो इस देश में जो खतरा मंडरा रहा है, इसके लिए बड़े पैमाने पर
एक बड़ा आंदोलन चलाना होगा। हम लोगों ने दो बार भारत बंद किया तो CNRC उनको कचरे में डालना पड़ा, मगर CNRC अभी भी अनभूत खड़ा है। कॉमन सिविल कोड उत्तराखंड में उनकी असेंबली में पास करना चाहते, वो फिर से आएगा। तो हम लोगों को हमारे कॉमन एजेंडे, हमारे कॉमन मसाइल को लेकर आपस में डायलॉग करके, संवाद करके, हमारे जो ख्यालात है उसके अंदर दूरियां कम करके हम इस देश में इनकलाबी आंदोलन चला सकते हैं। हमें यकीन और विश्वास है हम कामयाब क्यों होंगे, क्योंकि हमारी आबादी ज्यादा है और अब हमारा संगठन RSS BJP को टकराव देने लायक बन गया है। इसलिए मुझे दावा और विश्वास है, मैंने थोड़ी लंबी बात कही, मगर इसके लिए मुझे माफ करो, अधूरा इल्म घातक होता है। मुझे हजरत ने कहा कि ये समस्या तो आपने गिना दिया, सही है, इसका समाधान क्या है? राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करना होगा। धन्यवाद।